Hello students, welcome in today's video. So today in this video we are going to discuss about the contact angle method. जी हाँ, अभी हमने इससे previous video में wetting agent के बारे में बात की. Wetting agent में contact angle को use किया जाता है to evaluate the efficiency of wetting agent. So चलिए contact angle को भी detail से समझ लेते हैं कि आखिरकार contact angle क्या होता है. Now contact angle को बताया गया है, it is an angle between the liquid droplet and the surface over which it spreads. चलिए हम डायग्राम की तरफ से समझ लेते हैं. कॉन्टेक्ट एंगल को इस तरीके से बोला गया है कि ये एक एंगल है हमारा किसके बीच में, लिक्विड. दिस इज द लिक्विड ड्रॉप, इसको लिक्विड मान लेते हैं. लिक्विड ड्रॉप एंड सरफेस, जिस सरफेस पर वो स्प्रेड हो रही है, जैसे कि ये सरफेस हुआ और ये हमारी ड्रॉप हुई. नाउ कॉन्टेक्ट एंगल हमारा यूज किया जाता है एज एन इंडिकेटर टू वैल्यूएट द एफिशिएंसी ऑफ वेटिंग एजेंट एंड इट कैन बी कन्वीनियंटली एस्टिमेटेड बाय प्लेसिंग अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑन अ सॉलिड सरफेस. सिंपल सी बात, एक लिक्विड को अगर हम सॉलिड सरफेस पर रखते हैं तो हम उससे कन्वीनियंटली एस्टिमेट कर सकते हैं हमारे कॉन्टेक्ट एंगल को. सो चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है हमारे सामने कि किसका कौन कौन सी मेनली सब्सटेंस है. मेनली जो 90 कॉन्टेक्ट एंगल रहता है उसके लिए 90 पे हमारा फ्लोट होता है. और क्या क्या एग्जाम्पल है, दैट इज योर सल्फर एंड चारकोल. 0 डिग्री मतलब कंप्लीट वेटिंग, जिंक ऑक्साइड कंप्लीट वेटिंग दिखाता है. और 180 हमारा मेनली इनसिग्निफिकेंट वेटिंग दिखाता है या इनकम्प्लीट वेटिंग दिखाता है. सो आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक दिस वीडियो. सो स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज एंड स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया. फेस इट, फाइट इट, अचीव इट विद फार्मेसी इंडिया. थैंक्स फॉर वॉचिंग.